शैतान द्वारा यीशु की परीक्षा। तुरंत ही यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद आत्मा ने यीशु को जंगल की ओर भेजा, जहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। तब शैतान यीशु से पाप कराने के लिए उनकी परीक्षा करने आया। शैतान ने यीशु की परीक्षा ये कहते हुए करी, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटियां बन जाएं, तब तुम इसे खा सकते हो। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान यीशु को मंदिर के उच्च स्थान पर ले गया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे लिए अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे पवित्र शास्त्र से उत्तर दिया, उसने कहा, परमेश्वर के वचन में वह अपने लोगों को आज्ञा देता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। फिर शैतान ने यीशु को जगत के सारे राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, परमेश्वर के वचन में वह अपने लोगों को आज्ञा देता है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु शैतान के लालच में नहीं आया। तब शैतान उसके पास से चला गया। तब स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा करने लगे।